नया IBN 7 हौसला है। स्वागत है आपका IBN 7 में, मैं पायल। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोकनायर। प्रधानमंत्री मोदी के 3 देशों के दौरे का आज अंतिम दिन है। फ्रांस और जर्मनी के सफल दौरे के बाद पीएम मोदी इस वक्त कनाडा के वैंकूवर में हैं। भारतीय समय के मुताबिक देर रात करीब 2 बजे मोदी वैंकूवर पहुंचे। वैंकूवर में मोदी ने सबसे पहले वहां के ऐतिहासिक और 100 साल से भी ज्यादा पुराने गुरुद्वारा दीवान खालसा गुरुद्वारे गए। मोदी ने यहां मत्था टेका और सिखों को यहां पे संबोधित भी किया। पीएम मोदी ने सिखों की खूब तारीफ की और कहा कि उनकी वजह से भारतीयों का सम्मान कनाडा में बढ़ा है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि सिखों के साथ उनका खून का रिश्ता है। आजादी की लड़ाई में भी उन्होंने सिखों के योगदान को याद किया। गुरुद्वारे के बाद प्रधानमंत्री मोदी लक्ष्मी नारायण मंदिर गए। यहाँ उन्होंने दर्शन के बाद लोगों को संबोधित किया। मोदी मोदी के नारों के बीच उन्होंने यहाँ भी ज्यादा लंबा भाषण नहीं दिया। अपने भाषण में उन्होंने हिंदू धर्म और योग के बारे में कहा कि हिंदू धर्म सिर्फ धर्म नहीं बल्कि जीवन जीने की पद्धति है, जबकि योग जो है वो जीवन शैली है। आपको बता दें कि वैंकूवर में भी पीएम मोदी के साथ हर जगह कनाडा के पीएम स्टीफन हार्पर नजर आए। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में कनाडाई प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर भोजते रहे। बताया गया है कि यहाँ कनाडा की तमाम अहम शख्सियत शामिल है, खासकर भारतीय। तो आज वैंकूवर के मंदिर में बोलते हुए पीएम मोदी ने योग पर खास जोर दिया है। योग पर बोलते हुए मोदी ने कहा कि संतुलित जीवन जीने के लिए योग बहुत जरूरी है और साथ ही उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों को योग को बढ़ावा देने को भी कहा। विश्व भर में रहने वाले हमारे भाइयों बहनों का एक काम है कि हम वैज्ञानिक तरीके से हमारे जीवन मूल्यों को, जीवन पद्धति से दुनिया को परिचित कैसे करवाएं और विश्व को जो भी छोटे मोटे संकटों का सामना करना पड़ रहा है उन संकटों का सामना करने का रास्ता हम कैसे दिखाएं। मैं पिछले वर्ष सितंबर में न्यूयॉर्क आया था, यूएन जनरल असेंबली में मुझे बोलने का अवसर मिला। ये मेरा प्रधानमंत्री ग्रुप में पहली बार आना हुआ था, यूएन में पहली बार बोल रहा था, लेकिन वैसे वहां मैंने दुनिया को एक रिक्वेस्ट की और यूएन को रिक्वेस्ट की कि 21 जून को विश्व योगा दिवस के रूप में मनाया जाए। जानकर के खुशी भी होगी, गर्व भी होगा कि हमारे ऋषि मुनियों ने जिस योग की परंपरा को विकसित किया उसका जो वैज्ञानिक ताकत है, उसकी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के साइंस की जो उसमें चर्चा है उसको आज भली भांति दुनिया जानने लगी है। और परिणाम ही आया कि करीब ठीक 125 दिवस के अंदर अंदर यूएन में रिजोल्यूशन पारित हो गया। 177 कंट्रीज को स्पॉन्सर बनी। यूएन के इतिहास में इस प्रकार के रिजोल्यूशन में कभी भी इतनी बड़ी संख्या में देशों का को पार्टनरशिप नहीं मिला था। ये पहली बार यूएन के इतिहास में 177 कंट्री को स्पॉन्सर बनी। कनाडा भी को स्पॉन्सर बना। और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में पूरे विश्व में अब मनाया जाएगा। हमारा दायित्व है कि हम विश्व भर में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोग जहां भी इस प्रकार की योग की एक्टिविटी चल रही है उनका संपर्क बढ़ाएं। दुनिया के हर समाज के लोग, हर परंपरा के लोग अपने अपने तरीके से योग से जुड़े हैं और अपने अपने तरीके से योग को मॉडिफाई भी किया है।
हम इस बात को, क्योंकि युवा जगत के लिए शांतिपूर्ण जीवन के लिए, मन बुद्धि शरीर के संतुलन के लिए, व्यक्ति समष्टि और सृष्टि के साथ समन्वय के लिए, मानव और प्रकृति के साथ संतुलित जीवन के लिए योग बहुत ही दिशा दर्शक है। हम उस बात को बढ़ावा दें और उससे समग्र विश्व में जो मनुष्य व्यक्तिगत रूप से तनावपूर्ण जिंदगी जीता है उसको मुक्ति दिलाने का अभियान चलाएं। और पायल, यहाँ पे अपने दर्शकों को बताएं कि पीएम मोदी के भाषण में वहां पे उन्होंने भारत के सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि हिंदू धर्म नहीं बल्कि वे ऑफ लाइफ है। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू धर्म की एक बढ़िया डेफिनेशन की है और मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की जो डेफिनेशन है वो सच्चे अर्थ में एक दिशा दर्शक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हिंदू धर्म एक कोई रिलीजन नहीं है, ये कोई पूजा पद्धति का नाम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इट्स अ वे ऑफ लाइफ। जीवन वैज्ञानिक तरीके से कैसे जिया जाए, जीवन प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर के कैसे जिया जाए, जीव मात्र के प्रति दया का भाव कैसे रहे, ये मूल्य है सार्वजनिक रूप से। और इसलिए आज कभी कोई वाइल्ड लाइफ के लिए एनजीओ बनाकर के चिंता करता होगा, लेकिन हमारे यहां पहले से कहा जाता है जीव दया की बात, जो अल्टीमेटली हर जीव की रक्षा की बात करता है और जिसमें वाइल्ड लाइफ भी आ जाता है। और इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने वैंकूवर के ऐतिहासिक दीवान खालसा गुरुद्वारे में सिखों को संबोधित किया और उनसे कहा कि मेरा आपसे खून का रिश्ता है। आइए देखते हैं क्या कहा उन्होंने जब उन्होंने इस गुरुद्वारे में सिखों को संबोधित किया। मेरा आपके साथ रिश्ता खून का रिश्ता है, मेरा आपके साथ रक्त का संबंध है। रक्त का संबंध इसलिए है कि जब गुरु गोविंद सिंह जी ने पंच प्यारे पसंद किए थे, उन पंच प्यारों में एक गुजरात का था। द्वारिका से आया था और जब मैं मुख्यमंत्री था तो हमने वहां गुरु गोविंद सिंह जी की स्मृति में उन्हीं के नाम से एक अस्पताल बनाया है। तो इस अर्थ में मेरा नाता आपके साथ खून का नाता है। 2001 में गुजरात में भयंकर भूकंप आया और कच्छ के लखपत में जो गुरुद्वारा है वह गुरुद्वारा नष्ट हो गया। भूकंप के तुरंत बाद मुझे मुख्यमंत्री का काम करने की जिम्मेवारी आ गई और लखपत का वो गुरुद्वारा आप तो शायद नहीं गए होंगे, गुरु नानक देव स्वयं वहां पर करीब 15 दिन रुके थे और आज भी लखपत के गुरुद्वारे में गुरु नानक देव जी की पादुकाएं वहां मौजूद है।
तो मेरे मन को बड़ा लगा कि मुझे इसको फिर से पुनर्निर्माण करना है। लेकिन मन में ये था कि आधुनिक तरीके से नहीं बनाना है, उसको वैसे ही बनाना है जैसा गुरु नानक देव वहां थे उस दिन जैसा। तो वैसे कलाकारों को ढूंढो, कारीगरों को ढूंढो जो इस बात को समझे, चित्र देख करके ऐसी मिट्टी कहां से लाए, बड़ी खोज की। और आज मैं गर्व से कहता हूं कि वो गुरुद्वारा वैसा ही दोबारा बना दिया और उसको वर्ल्ड हेरिटेज में स्थान मिला हुआ है। क्या क्या बलिदान दिए, आजादी का आंदोलन देखें, यहां तो गदर आंदोलन की ये धरती रही है, लेकिन अगर आप अंडमान निकोबार की उन काल कोठरी को देखें कि जहां पर अंग्रेज आजादी के सिपाहियों को वहां बंदी बनाते थे, उसमें सबसे ज्यादा नामों पंजाबियों के है। आजादी के लिए सिर्फ भगत सिंह शहीद हुए थे ऐसा नहीं, भगत सिंह से प्रेरणा लेकर के अनगिनत सिख युवकों ने देश की आजादी के लिए अपना जवानी खपा दी थी। ये परंपरा, उस महान परंपरा के हम सब सैनिक हैं, हम सब मिलकर के। और यहां भी किसान के रूप में आए, खेती करने के लिए आए, मेहनत करते करते 100 साल से भी अधिक समय हो गया, यहां के लोगों का प्यार पाया, पूरे कनाडा का सम्मान पाया। और आज पूरे कनाडा में अगर भारत का सम्मान है तो यहां रहने वाले आप सब भारतीयों के कारण है, आप लोगों के कारण है। और आपको बता दें, लगातार आईबीएन 7 की महा कवरेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस विदेश यात्रा के नाते जारी है। सीधे रुख करते हैं वैंकूवर से जुड़ रही हमारी सहयोगी पल्लवी घोष का, जो कि हमें ज्यादा बता सकती हैं। पल्लवी, अगर हम इस यात्रा की बात करें तो कूटनीति के लिहाज से अब तक प्रधानमंत्री मोदी 10 महीनों में कई इतिहास रच चुके हैं। कनाडा की यात्रा से कौन सी 3 बड़ी बातें जिनको आप सार्थक मानती हैं? सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ पे प्रधानमंत्री का आखिरी एंगेजमेंट जो है, जिसके पहले वो भारत उड़ने के पहले ये इसी होटल में है जहाँ पे उनके लिए एक भोज का आयोजन किया गया है। कनेडियन प्रधानमंत्री हार्पर ने इस भोज का आयोजन किया है। और अगर जैसे आपको देखने को मिलेगा, कनाडा के समुदाय का या भारतीय मूल के लोग सब, जितने हुज हु कहते हैं वो सब इस भोज में आयोजित शामिल हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हो, एंटरप्रेन्योर्स हो, शिक्षा के क्षेत्र से आए, यहाँ सब लोग यहाँ पे शामिल हैं और इस भोज में भाग लेंगे। लेकिन अगर आप एक समिंग अप या ब्यौरा की बात करें कि कैसा रहा, तो कनाडा आखिरी पड़ाव था उनका लुक वेस्ट पॉलिसी के तहत, और यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट डील्स भी साइन हुए, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो ट्रेड और बिजनेस टाइज हो, चाहे वो यूरेनियम या ऊर्जा दिया जाए, न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स, इन सब के पर एक डील साइन हुआ है जो शायद आर्थिक विकास में बहुत बड़ा हाथ देगा। लेकिन साथ ही साथ प्रधानमंत्री जिस बात पे जोर देते आए हैं और वो है मेक इन इंडिया पॉलिसी का, उसके तहत अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूती देनी पड़ेगी तो इसमें कनाडा का एक बहुत ही अहम हाथ रहेगा। लेकिन अगर पॉलिटिकली बात करें, अगर राजनीति की तरफ से बात करें, तो बहुत अहम राजनीतिक संदेश भी आता है। सबसे बड़ा संदेश इस बात का है कि पहली बार शायद ये देखने को मिला है कि कैनेडियन प्रधानमंत्री हार्पर खुद प्रधानमंत्री के साथ एक ही फ्लाइट पे पहले टोरंटो गए, उसके बाद वैंकूवर में आए। और यहाँ पे जो नाराजगी थी एक सिख समुदाय का कि उनको लगा था कि कनिष्क वॉर क्राइम पे उनको वो तरह का न्याय नहीं मिला है, मुझे लगता है वो दर्द किसी न किसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूर करने की कोशिश की थी। वो पहले कनिष्क वॉर मेमोरियल गए, वहाँ पे भी कनाडा के प्रधानमंत्री हार्पर साथ थे, और आज भी जब वो खालसा दीवान सोसाइटी के गुरुद्वारा में गए थे वहाँ पर भी प्रधानमंत्री के साथ हार्पर भी मौजूद थे, और उसके बाद लक्ष्मी नारायण मंदिर। सो कुल मिला के बहुत ही सफल यात्रा माना जाता है, उनका बहुत बड़े टेकअवेज है, और साथ ही साथ उन्होंने बहुत अहम राजनीतिक संदेश भी दिया।
पल्लवी, आप जैसा भी बता रही थी कि जो आज इंगेजमेंट है उसमें हुज हु कौन कौन आएगा, ये सब बातें आपने भी बताई, लेकिन इंडियन डायस्पोरा जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के इस विजिट को किस तरीके से देख रहा है? जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने खालसा दीवान गुरुद्वारे से वहां पे शुरुआत की, तो आज और आइटिनरी क्या है प्रधानमंत्री मोदी की? ये आखिर आइटनरी है, ये आखिर प्रोग्राम है प्रधानमंत्री का। 8:15 करीब यहाँ पे, मतलब लगभग एक घंटे के अंदर यहाँ पे भोज शुरू हो जाएगा। कम से कम 1.5 घंटा प्रधानमंत्री यहाँ रहेंगे और उसके बाद वो भारत के लिए रवाना होंगे, तो इसलिए ये बहुत एक ऑनरेबल या महत्वपूर्ण भोज माना जा रहा है। जैसे कि मैंने कहा है कि कनाडा के प्रधानमंत्री ने इस भोज का आयोजन किया है, और अगर आप राजनीतिक संदेश की बात करना चाहते हैं कि अगर आप पूछती हैं कि क्या महत्व है, इस बड़ा टेक अवे है इस यात्रा, तो सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने एक इंडियन डायस्पोरा को वो विश्वास दिया है। इंडियन डायस्पोरा की सबसे बड़ी शिकायत थी कि अगर हम देश में वापस जाके निवेश करना चाहते हैं या यहाँ रह के भी निवेश करना चाहते हैं तो एक रेड टेपिज्म है, उस रेड टेपिज्म के तहत हमें वो मौका नहीं मिलता है, जैसे कि वीजा ऑन अराइवल। ये सब विश्वास प्रधानमंत्री ने बार बार दिया, एक बार नहीं लेकिन बार बार दिया, लेकिन आप भारत में निवेश कीजिए, हम आपके साथ हैं। बिल्कुल पल्लवी, दुरुस्त फरमाया आपने। और यहाँ पे जिस एटमॉस्फेयर और ट्रस्ट की बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी, ये एनआरआईज के सामने बखूबी रखना भी पड़ता है जहाँ तक भारत में देश में निवेश लाने की बात है। और हमें याद है कि किस तरीके से रिकोस कॉलिजियम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि 10 महीने में जन का मन बदला है और साथ ही में देश में एक नया विश्वास पैदा हुआ है। स्वागत आपका ब्रेक के बाद। वैंकोवर से पहले प्रधानमंत्री मोदी टोरंटो में थे, हफ्ते टोरंटो दौरे के अंत में मोदी कनिष्क मेमोरियल गए। बिल्कुल, और यहाँ कनाडा के पीएम हार्पर के साथ उन्होंने विमान धमाके में मारे गए लोगों को याद किया। ये टोरंटो में उनका आखिरी कार्यक्रम था जिसके बाद वो वैंकोवर गए। श्रद्धा सुमन अर्पित करते प्रधानमंत्री मोदी। ये जगह है टोरंटो के हम्बर्ग पार्क का एयर इंडिया मेमोरियल। 1985 कनिष्क विमान हादसे में मारे गए 329 लोगों की याद में ये स्मारक बनाया गया है। पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ा संदेश देते हुए कनाडाई पीएम स्टीफन हार्पर के साथ एयर इंडिया स्मारक में उन लोगों को श्रद्धांजलि दी जो साल 1985 में कनिष्क विमान बॉम्बिंग में मारे गए थे। दोनों नेताओं ने मेमोरियल पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और वहां मौजूद उन लोगों से बातचीत की जिन्होंने उस आतंकी हमले में अपनों को खोया। आपको बता दें कि कनिष्क हादसे में जान गंवाने वाले 329 लोगों की याद में यह स्मारक साल 2007 में बनाया गया था। देश का जो नया प्रधानमंत्री है वो कम से कम एक दोस्ती का हाथ बढ़ाए, तो आपका डीएनए और हमारा डीएनए एक है, जैसे उन्होंने कहा पेरिस में भी कहा कि एक डीएनए ही काफी होता है और रिश्तों की जरूरत नहीं होती, तो आप और हम एक किस्म से जुड़े हुए हैं, ये उनका मैसेज रहेगा सिख समुदाय के प्रति। 23 जून 1985, कनाडा के इतिहास का सबसे काला दिन। वो दिन जिसकी यादें सहेज कर रखी गई हैं टोरंटो के इसी मेमोरियल में, जिसे नाम दिया गया है AI-182। इस हादसे में मारे गए 329 लोगों में से ज्यादातर टोरंटो में ही रहते थे। एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर 182 में कनाडा के 268, भारत के 24, इंग्लैंड के 27 और बाकी देशों के 10 मुसाफिर थे। लेकिन हिंदुस्तान का दर्द इन आंकड़ों से कहीं बड़ा है, क्योंकि सच तो ये है कि कनाडा के जो 268 नागरिक मारे गए थे उनमें से भी ज्यादातर भारतीय मूल के ही थे, जिनके रिश्तों का कोई ना कोई सिरा भारत में ही था और वो अपने उन्हीं रिश्तेदारों के पास भारत के सफर पर चले थे। 23 जून 1985 को कनिष्क विमान ने कनाडा के मॉन्ट्रियल से उड़ान भरी थी, जिसे लंदन के रास्ते होते हुए मुंबई पहुंचना था, लेकिन आयरलैंड के आसमान में ही उस आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया जिसके बाद जोरदार विस्फोट ने 329 जिंदगियों को निगल लिया। टोरंटो में बने मेमोरियल की दीवारों पर वो 329 नाम दर्ज हैं जो एयर इंडिया की उस उड़ान में सवार थे।
हर साल कनिष्क हादसे की बरसी पर यहां तमाम परिवार इकट्ठा होते हैं जिन्होंने अपनों को खो दिया। आईबीएन 7 की टीम पहुंची इस एआई 182 मेमोरियल पे, जहां के हर जर्रे में अब भी दर्द और गम का साया नजर आता है। अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा एक सनडायल है, जिसमें आइलैंड जहां पर ये हादसा हुआ था वहां का डायरेक्शन है, अप्रोक्सीमेट डायरेक्शन ऑफ अकाहिस्ता आइलैंड। और इस तरफ अगर आप देखेंगे, सुबह 8:11 का समय था जब बम फूटा उस प्लेन के अंदर। 8:11 जब होता है 23 जून को, उस समय सनडायल इसी जगह पर होता है। इस मेमोरियल के अंदर जो पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं वो उन सब जगहों से लाए गए हैं और उन लोगों की याद में है जो उस फ्लाइट में मारे गए थे। कनिष्क त्रासदी में अपनों को खोने वालों के घावों पर अब तक मरहम नहीं लग सका है। अब तक सैकड़ों परिवारों को इंसाफ का इंतजार है। कनाडा के इतिहास के सबसे महंगे मुकदमे में अब तक महज एक शख्स को ही सजा मिली है। विमान को बम से उड़ाने के लिए सिख उग्रवादियों पर आरोप लगाए जाते रहे हैं। कहा जाता है कि उन्होंने 1984 में स्वर्ण मंदिर से आतंकियों को निकालने के लिए हुई सैन्य कार्रवाई के विरोध में ऐसा किया था। आकाश सोनी, टोरंटो, आईबीएन 7।